हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करें एक नई वेब सीरीज के बारे में जो कि रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है व्हाइट लाइंस। ये शो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। इस शो में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, हर एपिसोड ऑलमोस्ट 53 मिनट से लेकर करीब एक घंटे से ऊपर के। फिर इस सीरीज की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीरीज मैंने क्यों देखा। आप लोगों ने मनी हाइस्ट इस वेब सीरीज के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, उसके जो क्रिएटर्स है उन लोगों ने इस सीरीज को भी बनाया और यही वजह थी जिसलिए मैंने इस सीरीज को भी देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सबसे वर्स्ट डिसीजन था इस सीरीज को देखने का। क्यों था वो तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। खैर, इस सीरीज की कहानी शुरू होती है जोई से, जिसको पता चलता है कि उसके भाई की डेड बॉडी मिली है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसका भाई काफी साल पहले ही लापता हो गया था और अब जाके उसके भाई की डेड बॉडी मिली है। तो उसके बाद पूरी सीरीज में आपको यही देखता है कि जोई अपने भाई के मर्डर्स का पता किस तरह से लगाती है। अब यहां तक के इस प्लॉट को सुनकर आपको लग रहा होगा कि भाई कहानी तो बहुत जबरदस्त होने वाली है और ये हुडनिट के कॉन्सेप्ट में बनाई गई सीरीज है। तो हां, आप लोग जो सोच रहे हो बहुत हद तक सही भी है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी चीजें डाली गई है मेकर्स के थ्रू जो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का नाम व्हाइट लाइंस नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था सेक्स ड्रग्स म्यूजिक। और मुझे इस सीरीज में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो था इस सीरीज के लोकेशंस। फिल्मिंग बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। उसके अलावा आपको इस सीरीज में दो अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलेगी। पहले जो 1996 की, जहां पर जोई और उसके भाई के बारे में आपको जानने को मिलेगा और साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी फ्लैशबैक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट, जहां पर जोई अपने भाई के मर्डर्स को ढूंढते हुए नजर आती। खैर, इसी जर्नी में जोई की मुलाकात होती उसके भाई के पुराने दोस्तों से और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती कुछ सब प्लॉट्स की। इनफैक्ट ये सब प्लॉट्स इतने अच्छे कि जो मेन कहानी उससे आपका ध्यान खींच लेते हैं, जैसे कि मार्कस का सब प्लॉट हो या तो फिर खिलाफत फैमिली का सब प्लॉट हो। इस सीरीज में यार एक चीज मुझे बहुत ज्यादा खटक रही थी, वो थी न्यूडिटी की सीन्स, मतलब अश्लील सीन्स इतने ज्यादा भर के डाले इस सीरीज में। एक मोमेंट ऐसा आता कि आप लोग सोचते हो ये जगह पे ये सीन डालने की जरूरत थी क्या, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कई कई जगह पे डायरेक्टर इंटेंशनली ये सब चीजें कर रहा है। शायद उसको ये फील हो रहा होगा यार पब्लिक यहाँ पर बोर हो सकती है, तो चलो यहाँ पर कोई अश्लील सीन्स डाल दो, क्योंकि मुझे वहां पर ऐसा फील हो रहा था कि सिर्फ जो अश्लील राइटर्स है वो हमारे अल्ट बालाजी और उल्लू के नहीं है, बल्कि फॉरेन सीरीज में भी आपको इस तरह के राइटर्स देखने को मिल जाएगी जो इलॉजिकल न्यूडिटी सीन्स डालते जहां पर जरूरत ही नहीं बनती है। उसके अलावा मैं ड्रग्स सीन्स की बात करूं, देखिए सीरीज का जो टाइटल है व्हाइट लाइंस, तो उससे इतना तो समझ में आता है कि यहाँ पर ड्रग्स से रिलेटेड हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता भी है, तो वो मुझे पर्सनली ठीक लग रहा था। लेकिन अगर आप मनी हाइस्ट वेब सीरीज के बहुत बड़े फैन हो तो ये सीरीज की जो राइटिंग है वो आपको पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि बीच बीच में आपको ऐसा महसूस होता है कि सीरीज को जबरदस्ती का ड्रैग किया जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं था। इस सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड लगभग 53 से 1 घंटे के बीच में, तो इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि इस सीरीज के ज्यादा से ज्यादा 8 एपिसोड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फालतू सीन है वो लगभग 2 से 2.5 घंटे के, तो उसको इजीली अगर एडिट कर लेते तो फिर भी ये सीरीज देखने लायक बन सकती थी। खैर, अब बात करेंगे सीरीज में बताए कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोई की। तो जोई के कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, उसके कैरेक्टर में हमें काफी शेड्स भी नजर आए, जैसे कि वो मैरिड है, उसका बच्चा भी, लेकिन भी जब वो इबीजा आती तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उसको किसी भी तरह से अपने भाई के कातिलों को पता लगाना है, लेकिन यहाँ पर आकर वो उसका एक अफेयर भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि मुझे पर्सनली स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि भाई आगे चल के ये सीरीज में यही सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेकर्स ने साफ बता दिया कि भाई मुझे यहाँ पर सेक्स को बहुत ही ज्यादा बताना है। सब चीजें जब जोई की कैरेक्टर होने लगती है तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ जो एक कनेक्शन है वो खो देते हो। उसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर जो मुझे पर्सनली सीरीज अच्छा लगा, जिसको डेवलप अच्छी तरह से किया गया, वो है मार्कस। मार्कस के प्रेजेंट के बारे में और उसके पास्ट के बारे में जो जो चीजें बताई है, तो इसलिए मार्कस का कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और उस बंदे ने एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से किया। उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स थे उनका इस सीरीज में मुझे पर्सनली काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उनको इतनी अच्छी तरह से डेवलप भी नहीं किया गया। खैर, उसके अलावा अगर मैं जो सीरीज में परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी का ओके लगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये सीरीज काफी डार्क हो जाता, तो कई कई जगह पे तो आपको चलो अच्छा लगता है, लेकिन कई कई जगह पे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें बेमतलब की बताई जा रही है। सीरीज में आपको इंडिया का नाम सुनने को मिलेगा, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हिंदी डबिंग वालों का काम है, एज ए इंडियंस हम जब भी किसी फॉरेन फिल्म में या फॉरेन सीरीज में हम जब इंडिया का नाम सुनते हैं, हमारे इंडियन एक्टर्स को देखते हैं, हमको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, तो मुझे लगा शायद इसी वजह से लोगों ने इंडिया का नाम यूज किया। लेकिन जब मैंने काओ को देखा था मैं समझ गया कि वाकई में लोग इंडिया को ही रिफर कर रहे थे। यहाँ पर इस सीन को इस तरह से पिक्चराइज किया कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं प्राउड फील करूं या ये लोग हमारी टांग खींच रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था। उसके अलावा एक और सीन है जहां पर एक माँ है जो आधी नेक्ड है, यानी कपड़े उसके आधे है नहीं, और उसका सडनली उसका बेटा रूम में एंटर होता है, तब रूम में एंटर होने के बाद ये सीन किस तरह से होना चाहिए कि माँ अपने कपड़े फट से पहन लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर सीधा हमको सेक्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर जो माँ है वो आराम से अपने मसाज कर रही है, वो सब चीजें कर रही है, वो अभी तक बिना कपड़ों के ही है और उसका बेटा उससे बात कर रहा है, तो ये सीन का लॉजिक मुझे कहीं भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सीन क्यों डाला गया वो भी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, उसके अलावा यहाँ पर एक और सीन है जहाँ पर लेडी एक प्रीस्ट यानी कि पादरी का हिलाते हुए नजर आती है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन ये सीन का भी कोई मतलब नहीं था इस शो में। पता नहीं भाई इस शो में ये सब चीजें क्यों डाल ली गई,
मेरे समझ के बिल्कुल बाहर था। तो कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूँ कि सीरीज में ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पर आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई इस चीज का कोई मतलब नहीं था, इस चीज का कोई मतलब नहीं था, और बहुत सारी चीजें ऐसी फालतू डाल दी गई जो मेन कहानी को कहीं ना दबा देती है। तो इस हिसाब से ये शो को मैं रेटिंग दूंगा भाई 10 में से 4। अगर आपको कोई न्यूडिटी वाले शो देखना पसंद है तो यार ये शो देखो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई इलॉजिकल चीजें देखना पसंद है तो ये शो देखो यार आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको एक बढ़िया कहानी देखना है, आप लोग एक्सपेक्टेशन करें कि यार मनी हाइस्ट जैसा एक जबरदस्त शो होने वाला है, ये सब शो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे हिसाब से मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि इस शो से जितना हो सके दूर रहो, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना। टिल देन।